welcome all of you we are in the seven habits series out of the seven highly effective habits we are on the habit six today so a little overview before we get started so in these seven habits the first three were related to personal improvement personal growth personal leadership management from habit four onwards we move towards interdependence whereas we deal into interpersonal communication today we are going into very wonderful habit it's just one word and we'll just get into it it's, it's habit six so here is what we will learn. We'll start with the principles of creative cooperation. So in every session, we have principles. Ko touch karta. Principles of creative cooperation. This is a lot of creativity. So synergy. So what is the habit six? Synergize. Okay. Then we talk about synergistic communication. Kya hota hai? Then fishing for the third alternative. Third alternative kya. Hota hai? Third alternative key bar meeting. Not your way, not my way, but highway. And then valuing the differences because we are all different, right?

सो दिस इज एन एक्सरसाइज ऑल दी अदर सीनर्जी अभी तक जो भी आपने सीखा है इन सेवन हैबिट्स इट इज डेवलपिंग अस फॉर सिनर्जी सीनर्जी इज द क्रिएटिव आउटपुट दैट वी नीड एक्चुअली देखो आपने ट्रेनिंग शुरू की खुद की इफेक्टिवनेस लेडर पर आप चल रहे हैं ठीक है तो हमने अलग अलग क्वालिटीज उसमें सीख लिया हमने प्रोएक्टिविटी सीख ली विनिंग माइंडसेट सीखा कम्युनिकेशन सीखा तो ये सब करके करोगे क्या तो ये सब six habits, six के जब आप पे पे हैं, ना, synergy. Synergy output, जिसके लिए ये सारी कहानी चल रही थी योर फार so क्योंकि ये हम ऑर्डर में सीख रहे हैं ना तो इनका ऑर्डर इंपॉर्टेंट है सिनर्जी इज एसेंस ऑफ सेंटर्ड लीडरशिप तो जब आप प्रिंसिपल्स पैराडिम्स को करेक्ट करके आगे बढ़ते हैं अपने आप पे काम करते हैं फिर अपनी इंटरपर्सनल क्वालिटीज को डेवलप करते हैं तो आप एक प्रिंसिपल सेंटर्ड लीडर बनते हैं तो प्रिंसिपल सेंटर्ड लीडर सिनर्जी को जन्म देता है सिनर्जी क्रिएट होती है उसके अराउंड व्हाट इज सिनर्जी सिनर्जी मींस सिंपली डिफाइन इट मींस द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स दिस इज द रियल डेफिनेशन ऑफ सिनर्जी डिक्शनरी में जाकर सर्च करोगे ना ये डेफिनेशन मिलेगा आपका कंबाइंड एफर्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल वंस इट कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड टुगेदर अर्गॉन अर्गॉन

क्या किसी को सर्दी खांसी हुआ है किसी को कुछ हुआ है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपका एक तो दवाई लेनी है तो साथ में लेनी है ये लेते सिनर्जी तो क्रिएट होती है क्या सिनर्जी क्रिएट होती है आपकी बीमारी जाती है लेट्स रीड दिस ब्यूटिफुल्डर यू कांट यूज अप क्रिएटिविटी द मोर यू यूज द मोर यू है माया द आर्टिस्ट तो इसमें कैसा है देखो

ठीक है अंडरस्टैंड दिस नाउ तो डिफेंसिव कम्युनिकेशन इज विन लूज 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 और इसमें तो आप झगड़ ही रहे हैं इसमें तो आप मन में चिड़के ही बैठे हैं कि नहीं मैं मेरा टर्फ छोड़ूंगा ही नहीं सामने वाले को हार जाए तो भी चलेगा बट मेरा ही साइड मुझे देखना है दट इज डिफेंसिव दैट इज लोएस्ट ट्रस्ट एंड लोएस्ट कोऑपरेशन व्हाट कम्स इन द मिडिल इज रेस्पेक्टफुल रेस्पेक्टफुल में आप थोड़ा आगे बढ़ गए अ लिटिल बिट मोर ट्रस्ट अ लिटिल बिट मोर कोऑपरेशन बट इट्स स्टिल नॉट सिनर्जी एनर्जी यहाँ पे अभी क्रिएटिविटी पैदा नहीं होगी यहाँ पे नया कुछ नहीं बनेगा बिकॉज यू आर जस्ट

कि हाँ ये जो कह रहा है तो किसी रीजन होगा इसके पीछे तो यू हैव अ विन विन माइंडसेट विन विन माइंडसेट का मतलब है कि आप टीम को हराना नहीं चाहते यहां पे झगड़ा नहीं कर रहे आप चाहते हैं कि उसका भी बेस्ट हो मेरा भी बेस्ट हो दोनों को विन मिले ठीक है विन विन माइंडसेट है एम्पे है यहाँ पर आप समझ रहे हैं सामने वाले को हार्ट टू हार्ट टॉक तो यहाँ पे ना विन लूज आएगा ना लूज विन आएगा लूज वाली बात ही खत्म हो गई यहाँ पे यहाँ पे विन विन और नो no डील से भी आगे बढ़ गए आप क्योंकि सिनर्जी क्रिएट होगा सो इन दिस केस द आउटपुट्स विल बी ऑफ हाइएस्ट क्वालिटी ठीक है द आउटपुट्स विल बी क्रिएटिव दैट इज द पावर ऑफ एम्पेटी तो किसका सुने तो ये मतलब ही नहीं है सीनर्जी में सिनर्जी में हायर वे आएगा जो दोनों को देखकर डिसाइड किया जाएगा नॉट योर वे नॉट अ हायर वे बुधा कॉल्डल देखो स्पिरिचुअलिज्म में भी जिन लोगों को जानकारी है इंटरेस्ट है तो गौतम बुद्धा ने भी एक मिडिल पाथ बनाया था देन थर्ड पॉइंट अंटिल दे कम तो देखो इसमें बैक एंड फोर्थ हो रहा है ऐसा नहीं होगा कि आप सिनेजी एक ही बार में बन जाएगी ये बैक एंड फोर्थ होगा ये टीम वर्क होगा ये काम करना पड़ेगा मिलकर काम होगा तो बोथ विल कम्युनिकेट बैक एंड वो एक दूसरे को सुनेंगे, empathy use में लाएंगे, अबाउट समथिंग

and which is really really good why because valuing the differences is the essence of synergy synergy banegi hi nahi agar aap dusron ke differences ko value nahi karenge jab aap team mein kaam karte hain so everyone has their own color to तो us color ko ek new color ki tarah aap lo so let's read the points now how it helps in synergy valuing the differences is the essence of synergy mental emotional and psychological तो ये level पे लोग different होंगे mentally obviously mental देखो हर एक की प्रोग्रामिंग अलग है schooling अलग है books अलग पड़ी है

ठीक है तो दोनों के पर्स्पेक्टिव से जाके देखो तो वो दोनों सही बोल रहे हैं तो उन दोनों सही को जोड़ो और सिनर्जी पैदा करो ना कि झगड़ा करो इट्स नॉट लॉजिकल बट इट्स साइकोलॉजिकल ठीक है देखो ये भी पढ़ो इट्स नॉट लॉजिकल लॉजिकली वो अलग लगेगा कि ये बोल बोल रहा है लेकिन साइकोलॉजिकल साइको में साइको जुड़ गया आपका साइकिक जुड़ गया इमोशनल जुड़ गया ठीक है योर साइक योर साइक से देखोगे उसके शूज में जाके देखोगे एम्पथी में जाके देखोगे तो एवरी वन इज राइट इन देयर ओन वे सो दैट इज वैल्यूइंग द डिफरेंसेस

स right? so में आ जाए नेचर के साथ आप बैलेंस में रहो तालमेल में रहो नेचर को बैलेंस में रखो सो दमाउंट ऑफ कैल्सियम दर्बन दफ मैग्शियम दवरीथिंग दचर शुड बैलेंस इकोलॉजी

तब से एनर्जिस्टिक आउटपुट आएगा सो इट इज इट डिपेंड्स ऑन द टीम इट डिपेंड्स ऑन टीम वर्क टीम बिल्डिंग टूगेदर टीम बिल्डिंग के दो मीनिंग होते हैं एक टीम बिल्डिंग करना यानी टीम को ग्रूम करना टीम में कोई लीडर होता है हर टीम में कोई लीडर होगा कोई मैम कोई या नहीं भी लीडर होगा तो टीम आपस में एक दूसरे को बिल्ड कर रहे हैं हेल्प कर रहे हैं अरे तुम ये सीखो चलो ये करके देखते हैं वो करके तो एक, एक, एक टीम बिल्डिंग हो गया और एक होता है टीम बिल्डिंग का सॉल्यूशन टुगेदर टीम मिलके बिल्ड कर रही है कुछ लेगो ब्लॉक्स से बच्चे बनाते हैं

कैसे हम हमारी टीम में या इन वेन एवर वी वर्क ऑन एनी प्रोजेक्ट और विद एनी वन विद इवन वन पर्सन तो आप कैसे सिनर्जी स्टिक आउटपुट तक पहुंचेंगे तो ये स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हैं तो मैं क्विकली पहले पढ़ लेता हूँ स्टेप्स एंड देन इफ इज एनीथिंग वी कैन टॉक स्टेप नंबर वन इज डिफाइन द प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी तो प्रॉब्लम कहो या अपॉर्चुनिटी कहो देखो वो भी आपके ऊपर है पॉजिटिव परसपेक्टिव बेटर परस्पेक्टिव इज यू कैन कॉल इट अ सोल्यूशन सोल्यूशन फाइंडिंग और सोल्यूशन ओरिएटेड लोग जो कहें, वो उसको सोल्यूशन फाइंडिंग कहेंगे या अपॉर्चुनिटी कहेंगे तो पहले डिफाइन करो उसको वो पहला स्टेप है जो भी प्रॉब्लम कर, अचीव करने जा रहे हो क्रैक करने जा रहे हो अपॉर्चुनिटी को टैप करने जा रहे हो कैश करने जा रहे हो उसको लिख के ले लो पहले हमको पता है लास्ट एपेट में हमने पढ़ा था सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टैंड सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड पहला है, ये आगे का स्टेप है तो देखो स्टेप नंबर टू इज सीकर्स इज सीक टू वे

फिर बी के आउटपुट से ए A को कुछ आइडियाज आए और फिर ए ने कुछ और बोला ऐसे करके एक ब्रेन चल रही है तो ये ऑलरेडी क्रिएट हो रही है सो यू विल ब्रेन स्टॉम ऑन दोन पॉइंट पॉइंट इज हाई तो अब आपने आठ के तीन कर बेस्ट वन नॉट योर वे नॉट माय वे दाई वे फाइंड द बेस्ट सॉल्यूशन थर्ड अल्टरनेटिव के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा आज थर्ड अल्टरनेटिव इज मिडिल

है ना कुछ हटके देखते हैं ना लोग तो कुछ ऐसा कोई भी एक बंदा फ्रेंड स्पाउस फैमिली मेंबर आप ऐसा ढूंढो रिलेटिव जो आपसे टिपिकली अलग तरीके से देखता है चीजों को या देखती है तो उसके बारे में सोचो हाउ दीज डिज कैन बी यूज टू गेट टू अल्टरनेट ये अप्लाई करो प्रैक्टिकली उस पर्सन के साथ किसी सोल्यूशन या फिर एटलीस्ट सोचो इस पर ठीक है दिस इज वन एक्सरसाइज यू कैन डू सेकंड इज मेक अ लिस्ट ऑफ पीपल हु इरिटेट यू बहुत सारे राइट हम सबके पास ऐसी बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है जो ये तो इरिटेट करते ही है तो उन लोगों की लिस्ट बनाओ <laughs> और फिर अपने आप से पूछो कि डू दे रिप्रेजेंट डिफरेंट व्यूज दैट कुड लीड टू सिनर्जी सिनर्जी के एंगल से देखो उस लिस्ट को फिर कि इनके जो व्यूज होते हैं जिससे मैं हेटेड होता हूं या होती हूं, तो फिर ये सिनर्जी की तरफ जा सकते हैं क्या इनके व्यूज को लेकर सिनर्जी बनाई जा सकती है क्या तो दिस विल डेवलप योर थिंकिंग एंड थर्ड पॉइंट इज आइडेंटिफाई सिचुएशन इन विच यू डिजायर ग्रेटर टीम वर्क एंड सिनर्जी है ना तो अभी कोई आउटपुट है प्रोजेक्ट है आपको करना है तो उसमें आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं टीम से या आपकी टीम से आप टीम मेंबर हो या टीम लीडर हो

more conducive to synergy. Okay. So with this, we will complete the session.